यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाओ, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुंच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल के बैरागढ़ में पूर्व सैनिकों का रोष देखने को मिला। पूर्व सैनिक संगठन ने दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रदेश के सभी पूर्व सैनिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने रिटायर्ड सैनिकों के साथ हो रही अनदेखी पर सवाल उठाया, साथ ही चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने की भी बात कही। पूर्व आर्मी संगठन भोपाल ने संत नगर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। दीपावली मिलन समारोह में आर्मी से रिटायर्ड सैनिकों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। यहां पर गीत संगीत के कार्यक्रम रखे गए थे। यह दीवाली मिलन समारोह में रिटायर्ड कर्नल बीपी त्रिपाठी पूर्व सैनिकों की सुविधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। रिटायर्ड कर्नल त्रिपाठी का कहना है कि संगठन में पूरे प्रदेश में 12,300 पूर्व सैनिक संगठन में जुड़े हैं। सरकार को पूर्व सैनिकों की कदर नहीं है, जो सैनिक शहीद होते हैं उनके परिवार की पूछ परख भी नहीं होती, लेकिन जो सैनिक रिटायर्ड होते हैं उन पूर्व सैनिकों की अनदेखी की जाती है, ना ही उन सैनिकों को प्रमोशन मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व सैनिक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें भोपाल गोविंदपुरा और नरेला क्षेत्र में, साथ ही विदिशा जबलपुर ग्वालियर क्षेत्र से भी पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं। देख तो अब देखते देखते अब 65 साल के हो गए, अब तो बुढ़ापा आ गया। इस देश में सैनिकों की कोई कदर है ही नहीं, सीधी बात यह है। सैनिक केवल वो पोस्टर बॉय है, जब कुछ छिड़े सर्जिकल स्ट्राइक तो फोटो दिखा दिया, और बाकी शहीदों के जाके आपने माला चढ़ा दी। शहीद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कारगिल की लड़ाई आपके सबके स्मृति में है अभी जी। कारगिल में हमारे लगभग 527 सैनिक शहीद हुए थे, सबको हर प्रकार के केंद्र शासन प्रदेश शासन सबसे मदद मिली, 10 लाख 20 लाख, किसी को पेट्रोल पंप, किसी को प्लॉट, सब कुछ दिया, शहीदों को दिया। मेरा सवाल ये है कि वो जवान जो कारगिल गया, लड़ाई लड़ी, जीत के झंडा गाड़ा, जिंदा वापस आया, उसको क्या भाई? असली वीर तो वो है जो शहीद हो गए, चलो बड़ा अच्छा काम किया, जो जिंदा है लड़के आया है उसको क्या किया? एक प्रमोशन नहीं दी, एक इंक्रीमेंट नहीं दिया? वो सैनिक है, हम भूतपूर्व सैनिक लड़ाई लड़के जिंदा बैठे हैं, झंडा गाड़ के आए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाओ, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुँच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा,
इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।